मेरा चैनल दौड़ीगनो के तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है आलू दम बिरयानी। आलू दम बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बासमती चावल, 80% बॉईल किया हुआ आलू, प्याज, बिरिस्ता, टमाटर, हरा मिर्च, काजू, किशमिश, अदरक का पेस्ट, बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, दूध में भिगा हुआ केसर, घी, हल्दी, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चीनी, दही, रिफाइन ऑयल और साबुत मसाला में है शाही जीरा, सूखा मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और स्टार एनिस। आज मैं चावल कुकर में बनाऊंगी। मैंने इस कप का 3 कप चावल लिया है, मतलब इसमें 5 कप पानी डालना है। पानी गर्म होने का बाद तेजपत्ता, दालचीनी, स्टार एनिस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाही जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालना है। अभी इसको अच्छे से उबलना है। मैंने चावल को अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। अभी इसको डालना है। अभी इसमें 3 टेबलस्पून घी डालना है और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला डालना है। आपको अगर बिरयानी मसाला का रेसिपी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसको हाई फ्लेम में 1 सीटी लगाना है और तुरंत कुकर का ढक्कन खोलना है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दिया। अभी इसमें 1 टेबलस्पून घी डालना है, फिर काजू और किशमिश फ्राई करना है। फ्राई हो गया है। अभी इसी तेल में थोड़ा सा चीनी डालना है, फिर बॉयल किया हुआ आलू को हल्का फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालना है। आलू फ्राई हो गया है। अभी इसी तेल में साबुत मसाला डालना है, पहले लाल मिर्च, तेजपत्ता और 1/2 टीस्पून शाही जीरा डालना है। अभी इसमें बारीक करके कटी हुई प्याज डालना है। अभी इसको हल्का फ्राई करना है, फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालना है। अभी इसको अच्छे से भूनना है। टमाटर और मिर्ची डालना है, नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। अभी इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डालना है। अभी इसको अच्छे से भूनना है। भूनना हो गया है। अभी इसमें दही डालना है। दही में थोड़ा सा नमक चीनी डाल के अच्छे से फेंट लिया। अभी फ्लेम को लो करके दही डालना है। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला डालना है। अभी कुछ देर कुक करना है, फिर फ्राई किया हुआ आलू डालना है, फिर कुछ देर कुक करना है। अच्छे से कुक करना हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है। रेडी हो गया है। अभी गैस पे एक तवा रखना है, फिर इस गमला में अच्छे से घी लगाना है, फिर पका हुआ चावल डालना है। अभी चावल का ऊपर कुक किया हुआ आलू डालना है, फिर थोड़ा सा बिरिस्ता डालना है और फ्राई किया हुआ काजू किशमिश डालना है, 1/4 टीस्पून गुलाब जल डालना है। अभी इसका ऊपर चावल डालना है, फिर आलू डालना है, काजू किशमिश, बिरिस्ता
और बाकी जो चावल था वो भी डालना है। अभी दूध में भीगा हुआ केसर और 1/4 टीस्पून गुलाब जल डालना है। फिर इसको ढक्कन से कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम में कुक करना है। बस रेडी हो गया है आलू दम बिरयानी। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।